तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बॉल को उंगली पे कैसे घुमा दें। तो इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 6 या 7 साल से अपनी उंगलियों पे बॉल घुमा रहा हूं। मैंने वो बास्केटबॉल हो, वो फुटबॉल हो, वो वॉलीबॉल हो, सब कुछ ट्राई कर रखा है और मुझ पर 3-4 वेरिएशन से आता है कि बॉल कैसे घुमाते हैं। मैंने उंगली छोड़ो, मैंने इसके ऊपर भी बॉल को घुमा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक ट्रिक इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब तो गाइज आप देख रहे हो कि थाली मेरे हाथ में क्यों है, कि आप स्टार्ट कहां से करते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था किताबों से और थालियों से। तो देखो ऐसे करके पहले मैं ऐसे कुछ ऐसे घुमाया करता था बॉल को, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बैलेंस बनाना सीखा, यहाँ से फिर मैं इसको राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड में, बोथ हैंड पे इसको ट्राई करने लग गया कि बॉल घुमाते गए। और जब मैं स्कूल के अंदर स्टडी करता था तब मैं किताबों को घुमाया करता था ऐसे। उसके बाद हमने एक चीज़ और सीखी, इसके अंदर वेरिएशन सीखे, जैसे कि इसको घुमाया, इसको उछाला, ये थोड़ी बैलेंस नहीं हो रही, इसको लिया, इसको ऐसे लिया, ऐसे उछाला, दोबारा इसको रखा, बैलेंस वाली होती हूँ, इसका बैलेंस कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेरा, कंटिन्यू अंदर कंटिन्यू। देखो इसको ऐसे लिया, ऐसे इधर घुमाया और इसको लिया। तो जहाँ तक मैंने आपको अपना जो सारा एक्सपीरियंस था कि मैंने पहले बर्तनों से ले गए, मैंने किताब साथ साथ मैंने तौलिया तक भी घुमाई है उसको फोल्ड करके, ठीक है। तो अब वो जो एक्सपीरियंस था अपना मैं बॉल के साथ ले आया हूँ, ठीक है। कि आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि अब बेसिक से बेसिक और इजी से इजी ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप बॉल को घुमा सको और किसी के आगे भी अपना इम्प्रेशन सेट कर सको। हो सके आपके फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो या आप कोई लड़की हो। जैसे कि हम कहीं गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, अगर आप वहाँ बॉल को घुमा दो तो एक अलग ही अट्रैक्शन दिखता है, आपको ऐसा लगता है यार कितना तगड़ा है, कितना अच्छा, कितना तगड़ा प्लेयर होगा, मतलब ऐसा लगता है स्पोर्ट्स में तो खासकर, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो आपको कैसे चीज़ों को करना है तो सब कुछ बताता हूँ, तो आप वीडियो को बस देखते रहो और सीख के जाओ यहाँ से। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आपको अपने हाथ जो अपना ये एल्बो है, ठीक है, और रिस्ट है, इसको स्ट्रेट रखना है ऐसे, और ये जो आपकी फिंगर है इनसे इससे बॉल को ऐसे टर्न करना है जिससे कि बॉल रोटेट हो। किस तरफ, ये होता है इस तरीके से बॉल को घुमाना, इस पे बॉल, अब इस पे बॉल को रखना और ऐसे करना है ऐसे। और देखो जिसके उंगलियां ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं उसके पास ज़्यादा चांस जो होते हैं कि बॉल को वो बहुत इजीली बॉल को पकड़ सके, होल्ड कर सके और टर्न कर सके, ठीक है। तो आपको क्या जल्दी से इसको सीधा रखना, होल्ड करना और टर्न करना, बस ये करना है आपको। फर्स्ट स्टेप ये, इसको लेना और टर्न करना ऐसे, रखना और टर्न करना ऐसे, बस ये। सेकेंड स्टेप में क्या करना, जो आपने फर्स्ट स्टेप में अपने हाथों को ऐसे रखा था स्ट्रेट, ठीक है, फिंगर को रोटेट करें, तो अब बस बॉल को लेना ऐसे रोटेट करना है और इसको कैच करना, ऐसे रोटेट करना और कैच करना, बॉल को रोटेट, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको सही से रोटेट करो, मतलब पूरा जितनी स्पीड से कर पाओगे उतनी जल्दी आपकी बॉल फिंगर पे आएगी, ठीक है। तो पूरी स्पीड, जितनी स्पीड हो सके, जितना फोर्स लग सके, ऐसे पूरा रोटेट कर देगा, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे पूरा ऐसे इस तरीके से रोटेट करने की बॉल पूरा घूमे। तो ये है आपका सेकेंड स्टेप। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आपको देखो, आपको ट्राई करना है कि बॉल आपकी जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर आ जाए। इसके ऊपर जब आएगी, जब आपकी बॉल पूरी रोटेट होगी और आपकी जो ये उंगली है ये सीधी होगी, ठीक है, जैसे बॉल सीधी होगी और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जो बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है, अगर बॉल वहाँ पे आती है, ठीक है, जब आपकी बॉल उंगली पे घूमने लग जाती है, उसके बाद बॉल के साथ साथ आपको बैलेंस करना होता है। तो अब हम ट्राई करेंगे, देखो ऐसे करके, ऐसे ऐसे, बस इसको ट्राई करेंगे। देखो जैसे मेरे पास है ये फुटबॉल, आपके घर में अगर बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो,
जो जिस बॉल का वेट ज़्यादा है ठीक है, उस बॉल से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ठीक है वो बहुत जल्दी आता है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा आप उसको बहुत जल्दी घुमाना सीख जाओगे। अगर आप एक बार सीख गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आप अपने फ्रेंड्स कहोगे लो मुझ पर घुमाना आ गया, पर क्या होगा आप उसको दिखाओगे आप पे घूम ही नहीं पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको क्या करना कि जो भारी बॉल होती है जैसे बास्केटबॉल और फुटबॉल, इनका यूज़ करना। इनसे क्या है बहुत जल्दी इतनी देखो पूरा जल्दी से आ जाता है। इस तरीके से आप बॉल को रोटेट कर पाओगे ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो बास्केटबॉल और वॉली बास्केटबॉल और फुटबॉल से स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है ठीक है। देन अगर आपको लगता है कि आप सीख गए हो फिर आपको वॉलीबॉल के ऊपर जाना है। कभी वॉलीबॉल वाले डायरेक्ट वॉलीबॉल से चालू कर दें ठीक है, कर सकते, बट जिनको नहीं आता वो स्टार्टिंग में बास्केटबॉल इससे प्रैक्टिस करें ठीक है, ये बेस्ट वे। आई होप अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और शेयर भी अपने दोस्तों में करो जिन पे नहीं आता हो ठीक है, उनको शेयर करो और साथ के साथ कमेंट करके जाओ जो सीख के जाता हो और जिसको एडवांस लेवल का सीखना है कि बॉल कैसे घुमाते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं ठीक है। और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वॉलीबॉल से रिलेटेड हो तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है दोनों, तो इनको जल्दी से फॉलो भी कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।